हे गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो आपको भी अच्छा करने लेके आई आपकी ड्रेड से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस बहुत लोगों को एक डिमांड आ रही थी, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स डिमांड कर रहे थे यार आप पे यश ने प्रैंक किया है, प्रैंक किया, तो यार अब ना ज़रा यश चौधरी पे प्रैंक किया जाए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ फुल कि प्रैंक है जो मेरा सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि कैमरा बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड कर रखा है हमने, बालकनी में कैमरा है और बहुत दूर है तो अनएक्सपेक्टेड है, और यश ना थोड़ा यहाँ तक अपना कैमरा उठा के ना घूमने जा रखा है। तो एक काम करते हैं, उसको फ़ोन लगाती हूँ मैं, पूछती हूँ कहाँ पहुँचा। यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, अगर उसका फ़ोन नहीं लगता है तो मुझे वेट करना पड़ेगा उसका, क्योंकि कैमरा तो हमने बिल्कुल ट्राईपॉड पे सेट करके पीछे एरिक हैंडल कर लेगा कैमरा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार कॉल करके देखती हूँ लगता है नहीं लगता। अब बहुत लोग डिमांड करते हैं यश चौधरी लेके आओ, यश चौधरी लेके आओ, तो फाइनली यश चौधरी पार्ट 6 आ ही रहा है, रास्ते में है, सक्सेसफुल करने की कोशिश करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। यार भगवान नंबर लग जाए, वरना यार कैमरा सेट करके रखना पड़ेगा। हेलो, एक घंटा हो गया तुम्हें गए, कहाँ चले गए? अरे यार आ जाओ यार, तुम खुद सोचो ना यार, अकेले हूं मैं यहाँ पे और एरिक भी इधर कैमरा उठा के चला गया कहीं पे, मैं अकेले हूँ मतलब बालकनी में ही बैठी हूँ, खुद सोचना चाहिए लड़की अकेले है, ये चीज़ें बताने की होती है लोग के चक्कर में ना, इतना पागल होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी आओ आके बात करते हैं, कुछ ज़रूरी बात करनी है। आओ फिर निकलना भी है घर के लिए यार, 6 दिन हो गए पूरे। ठीक है चलो आओ, ओके बाय। तो यार यश थोड़ा पास में गए हुए अपना व्लॉग बनाने के लिए, तो कैमरा उठा के गया, तो एक काम करते हैं वेट करते हैं 10 मिनट, और कैमरा हमारा सेट है, वो बोल रहा है 7-8 मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही गया है तो आने ही वाला है, तो वेट करते हैं थोड़ी देर और कैमरा तो सेट ही है, देखते हैं वीडियो में क्या होता है। कहाँ गए थे इतनी दूर? अबे यार वो रोड तक गया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़की यहाँ पे अकेले है, तुम अपना कैमरा उठा के व्लॉग बनाने चले गए, इधर एरी के अपना कैमरा उठा के व्लॉग, मैं अकेले बैठी हूँ, थोड़ा भी ध्यान नहीं आता क्या दोस्त का? यार तुमने ही तो कहा था कि मैं थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहती हूँ, तुम वेट भी हो रही थी, मैंने तो तुमसे बोला था पीछे। तो इतनी देर जाने के लिए किसने बोला था तुम्हें? यार तुम पता ही है हर जगह के नजारे इतने प्यारे हैं ना, मन ही नहीं कर रहा था। मेरे साथ आयो अकेले आयो? नहीं नहीं आया तो तुम्हारे साथ, पर तुम रेडी हो रही थी, तुमने कहा था खुद ही घूम के आ जाओ यार, तो मैं इसलिए घूमने चला गया, पहले तो तुम खुद ही बंदे को भेजो और फिर खुद ही। इतनी देर थोड़ा बोला था तुमने? बोला 15-20 मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ से कैप्चर करके आऊंगा अच्छे से व्यू, ठीक है इतनी देर थोड़ा लगाते हैं यार, तुम तो चले गए और आने का टाइम वो इनाम ही नहीं है, और लड़की अकेले है। अरे यार कोई बात, यहाँ पे एक दो लोग पता है अजीब तरीके से भी देख रहे थे, जैसे मतलब पता है ना लड़की को देख के जैसे रिएक्ट करते हैं, इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था। छोरा हो यार, डरती थोड़ी ना हो तुम किसी से, अब बोलोगे वही ब्रेव गर्ल, अब वही गंदा सा डायलॉग मारोगे हरियाणा की छोरी है ये, वो डरती नहीं है। नहीं नहीं यार फिर भी तुम छोरियों की शान हो, डर थोड़ी ना लगता तुम्हें किसी से? डर नहीं लगता, फिर भी जाना तो नहीं चाहिए, बोर भी हो रही थी ना यार मैं, हद है। मुझे लगा कि तुम थोड़ी देर से, छोड़ो छोड़ो बहस मत करो फालतू चीजों पे, हमेशा बहस ही करने लगता है। नहीं नहीं मैं बस बता रहा था तुम्हें, बताओ जहाँ घूम के आए हो वहाँ का व्यू अच्छा है यहाँ का अच्छा? देखो एक बात बताऊँ, इसके कंपैरिजन में वो सब बेकार है, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट लोकेशन पे है ना। देखो चॉइस भी तो मेरी थी ना इस होटल की, हाँ यार यहाँ देखो व्यूज अमेजिंग है, बट इस जैसा कहीं नहीं है, यहाँ बैठे और पीछे खाई, डर नहीं लग रहा तुम्हें यहाँ पे? नहीं डर क्या लगना, अभी तो तुमने बोला हरियाणा की शान हूँ मैं। अरे नहीं मतलब यार हाइट देख रही इतनी हाइट है तो मैं कौन सा वहाँ बैठी हूँ, जाके इधर बैठी हूँ, थोड़ा सा रख रखा है मैंने, दूरी रख रखी है। पता है अगर आदमी यहाँ से गिरा ना खत्म है, तो बचाने वाले भी नहीं आएंगे नीचे, हम नहीं बचा रहे, वही नीचे जानवर वानवर ही होंगे वही खाएंगे। और मजा आ रहा है निकलना है घर के लिए थोड़ी देर में पता है, या फिर जाना ही नहीं है, प्लान कैंसिल हो गया? यार दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा जाने का, मतलब इतनी खूबसूरत जगह ना देखी ही नहीं है यार। व्लॉग्स वगैरह कंप्लीट हो गए आपके? हाँ हो गए, बाकी रास्ते में से निकाल लेंगे एक दो सीन वगैरह ना। आपका डन हो गया? मेरा डन है बस वही रास्ते का ही है, जाते वक्त दिल्ली तक जाते हुए जितने सीन्स लेने हैं वही रह रहे हैं बस, बाकी सब कंप्लीट। ड्रेस न्यू वाली है या पहली भी पहनी है? ये एक बार पहनी है। ये बड़ी क्यूट ड्रेस है, तो थैंक यू। तो शायद मैंने देखी नहीं होगी है ना, अच्छी लग रही है आप पे। थैंक यू। ऐसे ही बस कुछ बात करनी थी जरूरी, मैंने कहा एरिक भी चला गया, मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा बता दो यार क्या बात करनी है तुमसे, वो ये ना थर्ड पर्सन के आगे ना थोड़ी पर्सनल चीजें खोलनी नहीं चाहिए। जैसे यार वो उस दिन तुमने मुझ पे प्रैंक किया था ना 3 दिन पहले, अच्छा वो सुसाइड वाला, तो यार तब से ना तुम्हें पता रात को मैं डर गई थी, मुझे सपने आ रहे थे कि तुम सच में कूद गए। क्या बात,
सच में। अबे अच्छा ड्रीम है, तुम प्रैंक कर रहे थे मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो है ना कि सब अब मतलब मैं उस चीज से इतना डर गई हूँ ना, रात रात को सपने आते कि तुम सच में 7 दिन ऐसे हो, 7 दिन हम लोग यहाँ पे, कहीं ऐसा ना किसी ना किसी दिन तुम सच में कूद ही ना जाओ। पूछूंगा यार मैं, हद है पागल वगैरह समझो भाई क्या तुम हो भी सही ना, हद है यार प्यार में हो जाते हैं लोग पागल, ऐसी बात नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि मैं ऐसे करूंगा यार। ऑब्वियसली बात है, मान लो मैं कूद गया फिर मुझे ये भी तो लगा रहेगा यार मैं तो कूद गया, उसे घर कौन ले जाएगा, ये टेंशन भी रहेगी ना, तो मैं भी कूद जाऊंगी ना पीछे। नहीं नहीं यार पागल हो, तुम क्यों कूद जाओगे यार। नहीं नहीं तुमने तो सोच रखा है, हम तो डूबेगे सनम तुमको भी ले डूबेगे, तुम तो यही चीज सोच रखे, मुझे तो यही लग रहा है। नहीं नहीं पागल हो। अच्छा मैं ये सोच रही थी यार, तुमने वो प्रैंक किया था ना, तब से मैं सोच रही थी कि मतलब मैंने रियल में फील किया है कि जब ये चीजें हो रही थी ना, मुझे सच में तुम्हें खोने का बहुत डर है यार। हाँ तो तब मुझे लगा कि सच में यार मतलब मुझे फिक्र है इस इंसान की, मुझे धीरे चीजें फील हो रही है धीरे धीरे धीरे, मतलब ऐसा लगता है कि सच में मतलब मुझे कैसे बताऊं यार, मतलब मुझे प्यार तो नहीं हो गया, कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा कुछ। हाँ कहीं ना कहीं कुछ है, वरना यार, यार वो तो मैं इतना डर से कह रहा हूं यार, मैंने वीडियो देखी, वीडियो देखी मतलब सच में मतलब मैं इतना डर गई थी कि सच में यार ये बंदा ये चला गया तो मेरा क्या होगा, पता गंदे गंदे ख्याल से मन में आने लग गए थे। नहीं 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 तो फिर सी बात है, अभी तुम यहाँ बैठी हो मैं भी सोच रहा हूँ नहीं यार थोड़ा इधर हो जाए कुछ ना हो जाए हवा हो जाए तो दिमाग। वो तो तुम्हें मुझसे प्यार है तुम इसलिए सोच रहे हो ना, अब वो जैसे जैसे तुम फील करते हो ना वैसे वैसे चीजें मतलब आजकल मैं फील करने लगी हूँ अभी 3 दिन से ना उस प्रैंक के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में कुछ तो नहीं है, प्रैंक का असर हो रहा है तुम्हारे ऊपर। हाँ तुम्हारे प्रैंक का असर हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। अरे रहने दो यार, तुम तभी वही हंसी के साथ बोल रही हो ना, ये हंसी वादियों में मैं झूठ क्यों बोलूंगी ये बताओ, इस हसीन वादियों की कसम। क्या बात है। अच्छा यार मैं फिर बताऊँ मैं क्या बोल रही थी। हाँ बताओ। ये वो तुम बोल रहे थे ना हम लोग साथ रहते हैं खाते पीते साथ है हर चीज़ साथ में करते हैं, शूट भी काम भी एक एक चीज़ साथ में करते हैं, तो रिलेशनशिप में आना गलत का है। और पता है उस प्रैंक ऑन रेड 7 Part 6 के नीचे इतने कमेंट्स भर रखे हैं कि रेड्स अगर आपने अब यश को हानि बोली ना हम सच में आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। मैंने बोला यार इतना प्यार है लोगों को मतलब कि हम लोग साथ में देखना चाहते हैं एक हो जाए। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, देर सवेर मुझे शायद समझ आ गई अब। मैं ये सोच रही थी कि यार जब सब चीजें साथ में है तो एक ही हो जाते हैं, मतलब रिलेशनशिप में ही आ जाते हैं हम लोग, तुम्हारे मन में भी प्यार है, साथ मत छोड़ देना। देखो यार पता क्या है, मुझे तो पता था आज नहीं तो कल कभी तो तुम हाँ करोगी, ये पता था। दिमाग लड़कों वाला ही चलता तुम्हारा है ना, इसी बात है तभी तो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, कभी किसी चीज से पीछे नहीं हटा के, नहीं यार एक दिन तो जरूर करेगी। तो यार अच्छा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो मस्त है, मैं भी देखता हूँ यार। मैं तो पता है रात में बैठा हुआ था इधर उधर इसको ही देखता रहा, तो क्या यार मैं पता क्या बोल रही थी कि फिर हम मतलब मैं तुम्हें हाँ बोल दूँ। अरे इससे अच्छा मिलने और क्या हो सकता है, देखो ये जो एक ऐसी खुशी है मतलब बता नहीं सकता मेरे लिए कितनी बड़ी बात, मुझे खुशी खुशी में जाओ। अरे पागल हो यार मैं भाई, मुझे जिम्मेदारी है मेरे ऊपर तुम्हारी है घर वालों की है सबकी, तो मैं ऐसे क्यों जाऊंगा। तो यार मैं ये सोच रही थी कि अभी एरिक भी गया हुआ है तो कोई है भी नहीं, तो अभी ऐसे करते हैं कि हम पब्लिक को नहीं बताएंगे, हम पब्लिक को नहीं बताएंगे रिलेशनशिप में, लेकिन हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये क्या हुआ, क्योंकि मन में फीलिंग्स आ गई है ना यार, पहले जैसी चीजें नहीं रही अब जैसे पहले थी। सच में इतना असर हुआ तुम्हारे दिमाग प्रैंक के बाद, मुझे ऐसे लगा कि मुझे इस बंदे को खोने का डर है, और जिस इंसान को खोने का डर होता है ना इसका मतलब हमें उस इंसान से फर्क पड़ता है राइट, और उसी से प्यार होता है ऐसा। यार फर्क पड़ रहा है जब सामने वाले से, तो फीलिंग्स है जब मन में और बंदा प्यार भी इतना करता है इतनी केयर करता है तो रिलेशनशिप आ जाना चाहिए यार। बात तो मेरी एकदम जायज है, मैं भी यही चाहता हूँ, तो ये दिल तुम इसीलिए लाई होगी है ना। ये दिल तो मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए लेके आई हूँ, मैं सोच रही थी कि यार ऐसे हसीन वादियों में तुम्हें नींद पे बैठ के प्रपोज करती यार। सच में जाओ दिया तुम्हें ये चांस करो। हाँ हाँ तुम हाथ ये मेरी जिंदगी में मतलब इतनी बड़ी खाई पीछे यार मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे प्रपोज कर रही है रेड सेवन जिसके लिए मैंने इतने सालों से इंतजार करा, मतलब एक साल से, लेकिन ज्यादा मत फेंको अब, लेकिन फीलिंग तो कई वाली है ना, कई सालों से ऐसा लगता है जानता हूँ चाहता हूँ। और देखो ईश्वर भी हमारा साथ दे रहा है, पीछे धुआं फॉग मौसम भी रोमांटिक होता जा रहा है, प्लीज यार जल्दी से प्रपोज कर दो। आई लव यू एक बार और यार दोबारा। हाँ एक बार और यार प्लीज यार, देखना मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज देखो मुझे शर्म आ रही है ना। आई लव यू सो मच।
पता है मेरी जिंदगी का बेस्ट है, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं आऊंगी दोबारा से रिलेशनशिप में इतना कुछ होने के बाद। मैंने भी नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ में। कैसे मतलब? सीरियसली क्या सोचा नहीं था मैंने? क्या नहीं सोचा था कि मैं ऐसे करूंगी नीस पे बैठ के प्रपोज? प्यार है ना यार, अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। इतना खूबसूरत लम्हा तू मुझे दोगी, मैंने सच में नहीं सोचा था। अब सोच लो, अब तो सच जाए। अभी हम पब्लिक को नहीं बताएंगे, लेकिन ठीक है थोड़ा टाइम रुक के बताएंगे। ओके, पता है तुमने इतनी सारी बातें बोली, सुसाइड की वाली भी बताई, फीलिंग्स वाली भी बताई, दिल भर आया, लेकिन कहीं ना हर्ट भी हुआ मुझे। क्या हर्ट हुआ यार? आओ ना पास में, आओ ना दूर क्यों? हर्ट भी हुआ पता है, दिल डर रहा है। क्या डर रहा है दिल? इधर आओ, क्यों डर क्यों रहा है तुम्हारा दिल बताओ यार। प्यार नहीं है तुम्हें मुझसे? प्यार है लेकिन। तो फिर बताओ ना, खुश नहीं हो तुम? लेकिन पता है अगर ये सब तुम क्या सोचते हो मुझे पता नहीं है। क्या नहीं पता है तुम्हारे बारे में या तुम्हारी हरकत के बारे में? मतलब कैसी हरकत? अबे यार ये हरकत मुझे बेवकूफ समझ रही हो क्या? मतलब ये हरकत है, प्रपोज कर रही हो मैं इतने आसानी से, क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? क्या बेवकूफ हूँ? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मतलब जितना तुमने ये प्यारा लम्हा बनाया है ना, मुझे बहुत खुशी होती है, इससे भी कहीं ज्यादा खुशी होती है अगर तुम ये मेरे साथ ना ऑफ कैमरा करती। मतलब ऑफ कैमरा? का है कैमरा? मुझे पता है तुम मुझसे बदला। तुम पागल हो गया? मैं तुमसे बदला क्यों लूंगी यार, दिमाग खराब है? रोने क्यों लग जाते हो तुम? छोटी छोटी चीजों में इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो? इमोशनल वाली बात नहीं है। कहाँ लगा है कैमरा? ये पहली बार कैमरा नहीं है यार, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे बहुत आ रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है, एरिक ऊपर खड़ा हुआ है यार। नहीं करना चाहिए यार। वो क्या का कैमरा लगाया तूने भाई, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है ये यहाँ पे। ऑफ कैमरा करती ना मुझे अच्छा लगता। अरे यार रोक रहे, अच्छा सॉरी। अरे यार इसमें फिर रोने वाली क्या बात है यार? रोना तो मुझे चाहिए मजाक। अच्छा तुम जो भी करो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं करूँ तो मैं गलत हूँ। ये प्रपोजिंग वाला तुम कितनी बार करोगी मुझ पे? ऑफ कैमरा कर लेती, दिल रखने के लिए कर देती, चाहे बाद में कह देती झूठता फीलिंग में बह गई थी। उस प्रैंक का बदला ऐसे इतने चौड़े में कैमरा लगा रही हो, सामने वाले को बेवकूफ समझ रखा है। अच्छा ठीक है सॉरी। ओके तुम वहां से यार प्लीज यार तुम्हारे साथ रहूंगा ठीक है, लेकिन यार ऐसे नहीं करना। तो यार मैंने इससे मजाक किया, तुम्हारे साथ 6 महीने हो गए, तुम लास्ट टाइम रूम में, मैं तुम्हें छोड़ चली गई थी, मैंने कोई मैं बताऊँ तुमने अगर कैमरा नहीं लगवा लिया तो तुम कोई और प्रैंक कर देती। अगेन तुम फीलिंग वाला कर रही हो, फिर फीलिंग्स के साथ खेलना। अच्छा तुम मेरी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलते? लेकिन मैं हम तो तुम्हें मेरे बारे में तो पता है ना कि हाउ मच आई, मुझे कोई बात नहीं करनी यार, तुमने फिर से मेरे के साथ ये गलत करा है। तुम मेरे साथ गलत करते हो वो तुम्हें नहीं दिखता क्या? तुम्हें हमेशा मेरी गलती क्यों नजर आती है? तुम्हें फीलिंग्स मेरे पास दिल नहीं है क्या? मेरे को भक्त दिल नहीं दिया क्या यार? मैंने 6 महीने से तुम पे कोई प्रैंक नहीं किया, कोई मजाक नहीं किया तुम्हारे साथ, कोई फीलिंग हर्ट नहीं करी। मैं तुम्हें रूम में छोड़ के चली गई थी, मैंने एक्सेप्ट करी अपनी गलतियां, तुम्हें मनाया, इतना कन्विंस किया इसकी, कुछ 6 महीने बाद वो मैंने स्टार्टिंग किसने करी यार? नहीं आज तो फैसला हो जाए ना यार, स्टार्टिंग किसने करी 6 महीने? एक मिनट, नहीं मेरी बात सुनो आप यार, स्टार्टिंग किसने करी 6 महीने से? मैंने तुम पे कोई प्रैंक नहीं किया ठीक है, वहाँ पे तुमने मुझसे सुसाइड प्रैंक किया कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा। उसके बाद अगर मैं तुमसे बदला ले रही हूँ तो मैं गलत हूँ इसमें? ये 6 महीने बाद प्रैंक यार, प्रपोज क्या और फिर क्या करूँ यार? कुछ और कर देते भाई, तुम मुझे हर्ट करो वो ठीक है, लेकिन मैं करूँ वो गलत है। और तुम्हें हमेशा मुझे रूल आना होता है, ऐसे नहीं और फिर सामने वाला अपने आंसू दिखा देता है तो मैं गलत हूँ। हो गया यार कोई दिक्कत नहीं है, प्रैंक फेल हो गया मुझे नहीं पता, हो गया कोई दिक्कत नहीं है, हो गया फेल यार, पर हर बार मैं गलत नहीं हूँ ठीक है। अब जाओ, और वैसे भी मेरे को ठीक है, छोड़ो यार, लेट इट बी यार, मैं तो परेशान हो गई हूँ। 6 महीने से मैंने कोई प्रैंक नहीं किया था, तुमने स्टार्टिंग करी 6 महीने बाद वो कि मैं कूद जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं करूं तो मैं गलत हूं।
ये जो सीन प्रपोजिंग वाली ना फीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तुम समझे? छोड़ो यार, मैं ही नहीं समझती हर बार, है ना? प्रपोजिंग वाली फीलिंग मैं ही पागल हूं, कितने इंपॉर्टेंट होती है। तुम मैं छोड़ो छोड़ो मुझे ये चीजें, तुम चाहते हो मैं YouTube पे डालूं या नहीं? मेरा प्रैंक, सॉरी गाइस, मेरा प्रैंक फेल हो चुका है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमारे बीच में क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। आप चाहते हो मैं वीडियो अपलोड करूं तो मैं करूंगी, अगर आप चाहते हो नहीं करूं तो नहीं करूंगी, कोई दिक्कत नहीं। यार मैं, किसी की मेहनत होती है यार, लेकिन फीलिंग्स भी तो होती है ना यार, आप समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चलते तरीका बहुत गलत है यार, हमेशा ना दिल के साथ खेलती हो और आप कुछ भी नहीं करते, आप दिल और दिमाग दोनों के साथ खेलते हो। तुम्हें पता है ना मैं ऐसी मान, तुम्हें सॉरी बोलनी पड़ेगी आज। लेकिन पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। 6 महीने बाद प्रैंक ऑन यशोधरी पार्ट 6 आया, फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में तगड़ा करूंगी, बदले में सारे लूंगी, साथ साथ, हैंड टू हैंड। जब तक एरिक ऐसी बेवकूफी करेगा नहीं होगा, साथ साथ हैंड टू हैंड रसीद करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, गाइस लाइक करें शेयर करें, दबा के सब्सक्राइब करें। और यार प्रपोजिंग वाला प्लीज रिक्वेस्ट, अच्छा ठीक है, पैर पकड़ लो, पैर पकड़ ले, तो नहीं करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत टाइम बाद आफ्टर 6 मंथ्स प्रैंक ऑन यशोधरी पार्ट 6 आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू, अच्छे अच्छी वीडियोस और आती रहेगी, लव यू।